हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि आज रेट 2018 में वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ है वो जारी कर दी गई थी। आपने अपना देख भी लिया होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है उसको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपके सामने रेट 2020 हैं और कम से कम आपके 16,000 पद जरूर आएंगे, तो आप निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारी है वो थोड़ी ज़ोर ज़ोर से शुरू कर देनी चाहिए आपको, क्योंकि मात्र 110 दिन आपके बचे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जो लेवल फर्स्ट की रिजल्ट निकाला था उसकी कट ऑफ है वो कितनी गई है। तो एकदम ऑफिशियल कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने परफॉर्मा पूरा नोटिस आप देख सकते हैं। इसमें जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी, देखिए जनरल की जगह लिखा हुआ ही है कि अनरिजर्व कैटेगरी, इसकी कट ऑफ है 70.67। और डेट ऑफ बर्थ ये देखिए मैं आपको पूरा बताता हूँ, ये रहा डेट ऑफ बर्थ 4/7/1985। जनरल कैटेगरी की डेट ऑफ बर्थ है 4/7/1985। ओबीसी में आप देखोगे तो मेल और फीमेल की अलग अलग रही है। मेल की है 70.67 और इसमें जो DOB है वो 15/5/1978 है। लेकिन दोस्तों, जो लिस्ट आई है उसमें आप चेक कर लेना, जो 1978 के बाद वाले बच्चे हैं ओबीसी के, 15 जो मई है, 15 मई 1978 के बाद वाले जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी बच्चे हैं, वो सभी जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट हो चुके हैं। मैंने खुद चेक किया, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप भी चेक कर सकते हैं। पूरी लिस्ट में आप देखोगे तो जो भी मतलब ओबीसी की सीट, मेरे हिसाब से एक ही बच्चा इन्होंने लिया है, एक ही मतलब मेल कैटेगरी में सिर्फ ओबीसी से एक ही सिलेक्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि ओबीसी की सिर्फ एक ही सीट खाली थी। इसके अलावा जो भी सिलेक्शन हुए हैं वो सभी फीमेल कैटेगरी में हुए हैं ओबीसी के। मैंने पूरी लिस्ट देखी है, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, आप भी चेक लेना। तो फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ भी 106 नंबर ही है और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1988। लेकिन जो मेल बच गए थे, मतलब 1978 के बाद 1985 तक जो भी मेल कैटेगरी में थे वो सभी जनरल की पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं ओबीसी के। और एमबीसी में मात्र एक बच्चा सिलेक्ट हुआ था 17, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं 5 अगस्त 1992। इसका मतलब दोस्तों, इसके यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो रिक्त रहे पद हैं उसके आधार पर ही वेटिंग आई है। तो इसका मतलब SC कैटेगरी में शायद एक भी पद है वो खाली नहीं था। तो आप ये सूचना मांग सकते हैं RTE के द्वारा, तो जिसको भी सूचना चाहिए वो RTE लगा सकता है। आपको RTE के माध्यम से पता लग जाएगा कि SC में सीट खाली थी या फिर नहीं थी। तो आप ST की भी कट ऑफ देख सकते हैं, आपके सामने ये देखिए ST की कट ऑफ है 64% और डेट ऑफ बर्थ है 15/7/1996। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।